जो काम करने की साइड है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कंप्यूटर की हार्डवेयर काम करती है। जब कंप्यूटर की हार्डवेयर में बहुत सारी चीजें स्टोर हो जाती है, जब कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में बहुत सारी चीजें स्टोर हो जाती है, इनका चेहरा शरीर के अंदर इधर देखो, सारे बच्चे मेरे इधर देखे, और मुझे ये करना पड़ा। मैं लड़कों के स्कूल में ऐसे नहीं करता हूँ कि जो बच्चा मेरी तरफ मुझे नहीं करता उसको मार्क करो, और मैं बेटे के साथ थोड़ा सॉफ्ट हो, लेकिन मुझे ये करना ना पड़े, मैं आपको बड़े प्यार से बता। तो क्या होता है जब आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में बहुत सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं, और यू वांट, आप चाहते हैं कि उसमें स्टोर करें कुछ और चीजें, वहां पे जगह नहीं होती, तो क्या मैसेज है? देयर इज नो इनफ स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क। तो फिर क्या करते हैं? इररिलेवेंट चीजें डिलीट करें। दिस इज अ फिनोमेना। आज के बच्चे के साथ ये फिनोमेना है कि उसने बहुत सारी इररिलेवेंट चीजों को ब्रेन में जगह दी और रेलिवेंट चीजों के लिए जगह बची। बच्चा स्कूल भी जा रहा है, बच्चा अकेडमी भी कर रहा है, टीचर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा रिजल्ट नहीं दे। एंड दिस इज द मेन रीजन। वहां पे जगह हो तो उसके बाद, वहां पे जगह हो तो उसके बाद वो चीज हो। तो करना क्या है आज के बाद? कोशिश ये करनी है कि अपने ब्रेन में सिर्फ उस चीज को जगह दें जो इस वक्त आपके लिए जरूरी। गुरु को ज्यादा ना हो गए, मेरे पास तो भी थोड़े दिन रहते हो। तो करना क्या है? ड्रामा देखें, सारा कुछ है, लेकिन जगह नहीं है उसको ब्रेन में। ऐसे शो नहीं है उसको, डिस्कस ना करें। डिस्कस सिर्फ काम की चीज होता है, और ये बेटियों के लिए इतना जरूरी है। काम नहीं जाते, मैं दो बेटियों के बापों में जाता हूँ, मेरे दोस्त जो बेटियों के हवाले से मुझे मेरे साथ डिस्कस करते हैं, उनके रिश्तों के बारे में, उनके पढ़ाई के बारे में, मैं जानता हूं क्या क्या मसला। आप उस मुकाम पे आपकी वजह से हम लोग प्राउड फील करते हैं। हमारा मजहब कहता है कि बेटी आपके लिए रहमत है। हम मानते हैं, मनो मानते हैं, अल्लाह ताला की इस बात को बिल्कुल तस्लीम करते हैं। आप तस्लीम करते हैं इस बात? यस। But the question is, सिर्फ खाली मानने से, सिर्फ खाली मानने से क्या ये बात अपनी मेराज तक पहुंच जाएगी? You have to prove, you people have to prove with your characterization कि हम आपके लिए रहमत हैं। लेकिन जब आपके कैरेक्टर में फ्लॉ आता है, जब आप यहीं पे सुस्ती दिखाते, जमाने की खराबात को जगह देते हैं, तो आप ही सबसे बड़ा संघर्ष बन जाते हैं अपने वादे को, और फिर वादे को छूने के लिए जगह नहीं मिलती दुनिया। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि वादे की पोजीशन को समझें, अपनी पोजीशन को समझें जो हमारे मजहब में